आजकल जेंडर और सेक्सुअलिटी बहुत ही हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है स्पेशली अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है उसके बाद से हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां बहुत डाइवर्स जेंडर्स हमारे साथ शामिल है और काफ़ी लोग अभी आगे आके कह रहे हैं कि वो ए जी पी क्यू कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो अभी भी हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके खुद के लाइफ में कोई लोग हैं जो एक्चुअल में कम्युनिटी से हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते कि वो आ, उनकी आइडेंटिटी क्या है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे और इसका काफ़ी कारण हो सकता है एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इसकी बहुत सारा होमोफोबिया या डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है ये आइडेंटिटीज को लेकर या शायद आप जेंडर या कोई आइडेंटिटीज के साथ काम करते हैं और आप थोड़ा सा घबराते हैं कि कहीं आप इनसेंसिटिव ना साउंड करें गलत कुछ ना बोल दें और इसी के लिए आज मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन ने आ, ये सेशन लग रखा है जहाँ हम जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में डायरेक्टली एक एल एक्टिविस्ट के साथ बात करके समझेंगे मुक्ता का काम 2005 से स्वास्थ्य के मामले में जानकारी सहायता और जागरूकता करने में रहा है और रिसेंटली हमारा मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू हुआ है जहाँ हम गोपनीय सेवा देते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम उस पर भी डेफिनेटली बात करेंगे लेकिन विदाउट फर्दर अडू मैं मैं हमारे की स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी तो मिस्टर बिंदु माधव खिरे एच टी क्यू राइट्स के काफी वोकल एक्टिविस्ट रहे हैं उनकी वो खुद एक संस्था चलाते हैं बिंदु क्यो राइट फाउंडेशन जो हेल्थ और राइट्स इश्यूज पे फोकस करते हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट में एंड उन्होंने सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी सारा लेखन भी किया है फिक्शनल नॉन फिक्शनल शॉर्ट स्टोरीज एंड इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स एंड इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सर काफ़ी पहले से मुक्ता के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी की सपोर्टर रहे हैं हमारे वर्क में जब हमने एच की हेल्पलाइन शुरू की थी दो में तो उन्होंने हमारी टीम्स को काफी ट्रेनिंग दिया था कि कैसे हम ये इश्यूज को सेंसिटिवली हैंडल कर सकते हैं एंड अभी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी डू लुक फॉरवर्ड कि हमें सर का सपोर्ट मिले इन टर्म्स ऑफ यू नो सो दैट वी कैन बी मोर सेंसिटिव जब हम ये कॉल्स लेते हैं सो इन टर्म्स ऑफ दैट नाउ वुड लाइक टू आस्क यू सर कि हम काफ़ी बार जब Uh, कोशिश करते हैं कि हम शामिल करें वेदर इट्स एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट gender आइडेंटिटीज लेकिन फर्स्ट जाते हैं ये सोचने में कि अच्छा सेक्सुअलिटी की विभिन्नता कैसी है क्या हमारे क्या ये पर्सन स्त्री है पुरुष है तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेक्स जेंडर और सेक्शुअलिटी के बीच में क्या फ़र्क है सर आप म्यूट पे हैं हेलो कैन यू हेयर मी नाउ या ओके सबसे पहले मैं डॉक्टर रूपा का आभारी हूँ और uh, मुक्ता का के मुझे अवसर uh, दिया है आपने मैं एलजीबीटी के बारे में बात कर आ uh, आपका जो सवाल है सेक्स जेंडर और सेक्सुअलिटी ये तीन डायमेंशन अलग अलग है हम जब सेक्स के बारे में बोलते हैं इसका मतलब है हमारा शारीरिक लिंग हमारे लिंग गुणसूत्र क्या है एक्स वाई यानी लड़का एक्स एक्स यानी लड़की इसमें तौर पे आधारित होते हैं हमारे शरीर के अवयव जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अवयव देख के हम पैर करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है सो तो ये हुआ हमारा एनाटॉमी का भाग यानी शरीर रचना लेकिन इधर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ये बाइनरी जो समाज मानता है लड़का या लड़की ये इतना क्लियर कट नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि जिनके जननेन्द्रिय कुछ हद तक लड़की के भी हो सकते हैं और कुछ हद तक लड़के के भी हो सकते हैं अभी हम अगर जननेन्द्रियो को मान के चले तो ऐसे बच्चों को लड़का या लड़की बोलना मुश्किल होता है क्योंकि हमारा जो शरीर लड़के का और लड़की का जो ढांचा है इन दोनों में किसी में भी एक पूरी तरह से नहीं बैठता तो ऐसे व्यक्तियों को हम द्विलिंगी या अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्स कहते हैं अभी ये भी एक सिंगल कैटेगरी यानी मेल फीमेल और इंटरसेक्स जो है इसमें भी कई प्रकार होते हैं उसमें कई प्रकार की रचनाएं होती है और अलग अलग कारण की वजह से हो सकती है कि गुणसूत्रों में अलगपन क्या है संप्रोपों में हॉर्मोन्स में अलगपन क्या है तो वो भी एक ब, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है एक वन कैटेगरी अगर बोलते हैं लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है तो ये जो डायमेंशन है सेक्स का तो इसमें शरीर पुरुष का या स्त्री का और बहुत सारे जिनमें ये कहना मुश्किल है ऐसा बहुत सारा बड़ा स्पेक्ट्रम तो ये हुआ एक डायमेंशन दूसरा डायमेंशन है वो जेंडर का लोग मानते हैं कि जेंडर भी बाइनरी है यानी हम खुद को क्या महसूस करते हैं पुरुष की तरह महसूस करते हैं या लड़की की तरह महसूस करते हैं अगर लेमैन टर्म्स के इस्तेमाल करके मैं बोलूं तो ऐसा समझो कि तुम्हारा ब्रेन का वायरिंग कैसा है वो वायरिंग दुनिया को लड़की के नजर से देखता है और उसको प्रतिसाद देता है या लड़के के नजरिए से देखता है और उसी तरीके से प्रतिसाद देता है ज्यादा करके समाज में ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर जिस लिंग का है वही जेंडर उनकी दिमाग की रचना भी उसी तरीके से बनी है यानी शरीर लड़के के अवयव का है तो दिमाग का वायरिंग हम अगर ले, अगर फिर से मैं एक एनालॉजी दू तो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू भी मेल जेंडर का होता है यानी एक संलग्नता होती है शरीर और जेंडर में इसको हम सिस जेंडर सी आर एस सिस जेंडर बोलते हैं अगर लड़की है तो वो शरीर लड़की का है और दिमाग का वायरिंग भी लड़की का है वो उसमें भी एक संलग्नता है वो भी सिस जेंडर होती है और ज्यादा करके समाज में और लड़की और लड़के ऐसे ही होते हैं। लेकिन सबके सबने कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो शरीर से लड़के हैं लेकिन जेंडर से यानी उनका दिमाग का वायरिंग ऐसा है कि वो लड़की के नजरिए से दुनिया देखते हैं और उसको प्रतिसाद देते हैं सो इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है शरीर एक कहता है कि वो लड़का है और दिमाग ये कहता है कि वो लड़की है कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है कि जहां शरीर लड़की का है हम उसको लड़की मानते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में भी उसको लड़की ही लिखा जाता है लेकिन उसका जेंडर यानी उसका दिमाग का जो वायरिंग है वो लड़के के जैसा है तो यहाँ भी कॉन्ग्रुएंस नहीं है यहाँ भी शरीर लड़की का है और दिमाग लड़के का है इनको हम ट्रांस बोलते हैं ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमन ट्रांस मैन डिपेंडिंग कौन से कैटेगरी में है तो ये इसको हम अंग्रेजी में जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं और हिंदी और मराठी में इसको लिंग भाव तो जेंडर यानी अगर कि, किसी को पूछा जाए कि आप कौन महसूस करते हो इज अबाउट योर ओन परसेप्शन एज अ मेल और एज अ फीमेल रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को दोनों जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है इसको मल्टीपल जेंडर पैन जेंडर बोलते हैं यानी कुछ हद तक पुरुष के जैसे भी जेंडर महसूस करते हैं कुछ हद तक स्त्री के जैसे भी करते इन रेयर केसेस ऐसा भी होता है कि उनको पुरुष के जैसे भी लगता नहीं या और स्त्री के जैसे भी लगता नहीं इसको ए जेंडर बोलते हैं तो आप देखोगे कि पुरुष और स्त्री के जेंडर के बीच में भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और अलग अलग जेंडर उसमें हो सकते हैं ये हुआ दूसरा डायमेंशन और तीसरा डायमेंशन है जो जब हम यवन अवस्था में आते हैं तब हमको किस व्यक्ति पर भावनिक और शारीरिक आकर्षण हम महसूस करते हैं ज्यादा करके समाज के लड़ पुरुष और स्त्री विरुद्ध लिंग के व्यक्ति के पर हमारा लैंगिक आकर्षण होता है जिसको हम भिन्न लिंगी यानी लड़कों को पुरुषों को स्त्री के तरफ और स्त्री को सिर्फ पुरुषों के तरफ आकर्षण होता है जिसको हम भिन्न लिंगी या हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं कुछ स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं कि जिनको दोनों तरफ लैंगिक आकर्षण होता है जिसको हम बायसेक्सुअल या उभय लिंगी बोलते हैं कि स्त्री के तरफ भी आकर्षण है कुछ स्त्रियों के तरफ कुछ पुरुषों के तरफ और कुछ लड़के ऐसे होते हैं मैरिज ऐसे कि जिनका जिंदगी भर सिर्फ पुरुषों पूर्शो का पुरुषों के तरफ ही लैंगिक आकर्षण भावनिक आकर्षण होता है जिसको हम समलिंगी या गे या होमोसेक्सुअल बोलते हैं और स्त्रियों का सिर्फ स्त्रियों के तरफ जिसको हम अगेन समलिंगी होमोसेक्सुअल गे या इसको एक खास शब्द है लेस्बियन ये बोलते हैं रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी को किसी के तरफ भी आकर्षण नहीं होता इनको हम एसेक्सुअल बोलते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रम ये जो मैंने तीन डायमेंशन जो बताए ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वो रुबी क्यूब जैसे होता है कि वो हम किसी भी कैसे भी घुमाए तो ऑल दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ सेक्स जेंडर एंड सेक्सुअलिटी ये निसर्ग में पाए जाते हैं नैसर्गिक है ये न बीमारी है या कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और लेकिन सिर्फ अलगपन है वो स्टैटिस्टिक्स का शरीर पुरुष का लिंग भाव पुरुष का और आकर्षण स्त्री के तरफ और शरीर स्त्री का लिंग भाव स्त्री का और आकर्षण पुरुषों के तरफ ये सबसे मेजोरिटेरियन माना जाता है लेकिन बाकी के जो कॉम्बिनेशन है वो भी नैसर्गिक है लेकिन स्टैटिस्टिकली बहुत कम होते हैं फॉर एग्जाम्पल समलिंगी पुरुष तीन प्रतिशत होते हैं अप्रोक्सीमेटली लेस्बियन स्त्री वन परसेंट माना जाता है ट्रांसजेंडर ट्रांसवीमेन trans जो जो शरीर से पुरुष है और खुद को स्त्री का लिंग भाव मानते हैं वो ग्यारह हजार में एक और ट्रांसमैन जो शरीर स्त्री का है और जेंडर पुरुष का है अप्रोक्सीमेटली थर्टी थाउजेंड तीस हजार से तैतीस हजार में एक तो ये स्टैटिस्टिकली और जो इंटरसेक्स है ये दोनों अवयव कुछ हद तक है इट कैन वेरी फ्रॉम वेरी माइनर डिफरेंसेस दस हजार से मेजर डिफरेंसेस एक लाख तक तो अगेन वो भी स्पेक्ट्रम तो है तो ऑल ऑफ दिस नैसर्गिक है पशु पक्षियों में भी पाए जाते हैं तो ये नहीं है कि ये सिर्फ इंसान में है पशु पक्षियों में भी नहीं है और ये हमारे देश में पहले से अलग अलग ग्रंथों में डॉक्यूमेंटेड है तो ऐसा नहीं है कि किसी वेस्टर्न कल्चर से यहाँ पे आए है ऐसा नहीं है किसी का अनुकरण करके नहीं है अनुकरण हुआ है तो उनके अधिकार जो है वो हमने लाने की कोशिश की आई थिंक दिस इंट्रोडक्शन शुड तो एक बात सबने समझना लास्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी में फर्क क्या है वो हेल्पलाइन जो चलाते हैं उनको भी होता है कभी कभार कम्युनिटी के लोगों को भी होता है कि कभी कभार ऐसे लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं मैं ट्रांस हूं या समलिंगी हूं मुझे पता नहीं चल रहा है और ज्यादा करके स्पेशली रूरल एरिया के लोगों को ये कंसेप्ट नहीं होता है उन्होंने ज्यादा करके माँ बाप ने उन्होंने सिर्फ स्त्री पुरुष और किन्नर ये तीनों ही जेंडर्स देखे हुए होते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है तो ये कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए दो सवाल हमने करने जरूरी कि मैं खुद को क्या महसूस करता हूं इस जेंडर पुरुष जैसा स्त्री जैसा दोनों जैसा कुछ भी नहीं जेंडर मुझे किस पर आकर्षण है पुरुष पर है स्त्री पे है दोनों पे है बिल्कुल नहीं है ये मेरा आकर्षण किस पे है ये मेरा लैंगिक कल या सेक्सुअल ओरिएंटेशन या मेरी लैंगिकता है तो माय जेंडर इज नॉट अबाउट अट्रैक्शन इट इज अबाउट सेल्फ परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस वेर एज मेरा लैंगिक कल किस पर आकर्षण है मैं उसके साथ सम्म, लैंगिक संबंध करते समय कौन सी भूमिका लेता हूँ स्त्री की लेता हूँ या पुरुष की लेता हूँ ये मायने बिल्कुल नहीं है मेरा आकर्षण अगर किसी किस पे है वो मेरा लैंगिक कल है मैं खुद को कौन अनुभव करता हूं ये मेरा जेंडर है तो ये क्लैरिटी होना ये हेल्पलाइन काउंसिलर्स को भी और जनरल पब्लिक को भी होना बहुत जरूरी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर एंड मतलब इट इज़ बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये डिस्टिंगशन को समझें और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब ये समझते हैं मतलब फिर भी जब स्पेशली सेक्शुअलिटी को um, समझने की कोशिश करते हैं तो ये लेबल्स भी कभी कभी थोड़ा सा लिमिटिंग हो जाता है कि ये लेबल्स भी काफ़ी नहीं होते हैं पर आई थिंक वो किसी और टाइम के डिस्कशन के लिए है आई थिंक मैं ये समझना चाहूँगी कि जब इतने सारे विभिन्न जेंडर और सेक्सुअलिटी है तो क्यों ऐसा होता है की हम इनके बारे में बिल्कुल नहीं सुनते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और जब सुनते भी है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसके बारे में सिखाना जागरूक करना किसी सिस जेंडर सोसाइटी जो अज्यूम करती है उनको बात यह है कि एक दस बीस साल के पर, दस बीस में एक बाईस साल से काम कर रहा हूँ मैंने जब काम शुरू किया तो इस बारे में कोई बोलता ही नहीं था क्योंकि ये गलत माना जाता था या विकृति माना जाता था डिसऑर्डर माना जाता था और समलिंगी संबंध प्रौढ़ों में भी सम्मति से करना गुना था उस समय ये एच वी जब इंसिडेंस बहुत था तभी उसकी वजह से इस विषय में के बारे में बात होने लगी क्योंकि समलिंगी संबंध हो या किसी कोई पुरुष किन्नर के साथ लैंगिक संबंध भी बिना के करता हो तो ऑब्वियसली एक को है तो दूसरे को एस या एचआईवी या एच संभावना थी होने की संभावना थी। तो से इस विषय में बात होने लगी लोगों में ये सब गलत है या पाप है ऐसी धारणा आज भी कुछ हद तक है लेकिन बहुत सारा बदलाव भी हुआ है पिछले 20-22 साल से हमने देखा है कि बड़े शहरों में एटलीस्ट इस विषय पे बोला जाता है पुणे में आ, मैं ल, पिछले दस साल से एनुअल एलजीबीटी प्राइड वॉक करता हूँ लेकिन सिर्फ मेरे और मुक्ता जैसे एनजीओ ने इस विषय पे काम करना काफी नहीं है हमें कॉलेजेस में काम करना जरूरी है हमें स्कूल काउंसिलर्स को हम हमारा अभी जो उपक्रम चालू है हम स्कूल काउंसिलर्स को एलजीबीटी के बारे में बताने शुरू किए हैं जो स्कूल्स तैयार है क्योंकि ऐसे केसेस आने लगे हैं यहाँ नब्बी दसवीं लड़के लड़के आके काउंसलर्स को बोलने लगे हैं कि मुझे लगता है कि मैं समलिंगी हूँ या मुझे लगता है कि मैं ट्रांस हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ क्या आप मुझे ये समझने की कोशिश कर सकते हैं मैं इंटरनेट पे बहुत सारा पढ़ता हूँ और इसमें मैं कहाँ बैठता हूँ मुझे पता नहीं है तो ये काम अभी ये बढ़ रहा है कि हमें हेल्पलाइन पे इसके सवाल ज्यादा करके आएंगे हमें स्कूल काउंसिलर्स के पास आएंगे और समाज में जो साइकेट्रिस्ट हो साइकोलॉजिस्ट हो हेल्पलाइन काउंसिलर्स हो हमें ज्यादा से ज्यादा फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स खड़े करने की जरूरत है जहाँ पे किसी को भी इसके बारे में कोई मदद लगे या जानकारी लगे तो बिना डरे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ किसी से वो बात कर सके और खुद का जो एक्सपीरियंस है खुद की जो तकलीफें हैं वो शेयर कर सके हम लोग भी हेल्पलाइन पे एक इंटरसेक्शनल uh, लेंस uh, लेते हैं जहाँ ये जरूरी होता है कि मतलब जैसे आपने कहा कि स्कूल्स में कॉलेजेस में डॉक्टर्स में काउंसलर्स में सब जगह इसके बारे में जानकारी रहना जरूरी है क्योंकि अगर हमें ठीक से इसके बारे में पता है तो हम किसी को मदद कर सकते हैं और खुद को भी समझने में आसानी होती है डेफिनेटली मैं इसमें एक भी और ऐड करूंगा कि ज्यादा करके अभी कॉर्पोरेट्स भी बहुत uh... इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं कई के पास देता हूं और उनको टेक्निकल सपोर्ट देता हूं कि अगर ट्रांस या गे लेस्बियंस को अगर हायर करते हैं या कोई काम में एम्प्लॉ है और वो आउट होता है और बोलते हैं कि मैं समलिंगी हूं या ट्रांस हूँ तो पॉलिसी चेंजेस क्या क्या लगते हैं कौन से स्पेशल फैसिलिटीज स्पेशली ट्रांस के लिए करने जरूरी होते हैं इसके बारे में टेक्निकल सपोर्ट देना उनको पॉलिसीज़ रिवाइज़ करने के लिए मदद करना भी करता हूँ तो नौकरी की जगह हो रहने की जगह हो मेडिकल एजुकेशन uh, कहीं भी हो हमें अभी सब में ये पॉलिसी में बदलाव करना बहुत जरूरी है कि जब हम जीवन के बारे में देखते हैं कोई भी एलजीबीटी इंडिविजुअल के तो क्या बहुत अनोखी चुनौतियां को सामना करना पड़ता है जो हमें एज हमारे बाकी के डे टू डे लाइफ में नहीं शायद लगता है जो ऑन अ डेली बेसिस दूसरे किसी को फेस करना पड़ता है अह इडियस दैट इज ट्रू बात यह है कि आज भी जब हमको बारह चौदह साल के दरमियान पता चलता है कि हमारा लैंगिक कल हो या हमारा लिंग भाव दूसरों से अलग है और वो समाज मान्य नहीं है तो ये घुटन सी होती है क्योंकि डर होता है कि हमारे माँ बाप हमको कभी स्वीकारेंगे नहीं समाज हमको स्वीकारेगा और इसके लिए हमें ये होता है कि हम कितने जल्दी से जल्दी इससे दूर हो जाए या हम खुद को मी <coughs> बदल सके तो पहला आज भी ये होता है कि हम कैसे खुद को बदल सकते हैं या ये पासिंग फेज है क्या कि मैं जरा बड़ा हो जाऊंगा चौदह से अठारह साल का हो जाऊंगा तो अपने आप बदल जाऊंगा या तो ऐसे विचार लोगों के मन में आते हैं और अगर जब पता चलता है कि नहीं ये विचार मेरे से हट नहीं रहे आ, मजबूत हो रहे तो ऑब्वियसली हमने कुबलो रॉस स्केल जैसे में जो देखा है कि पहला तो डिनाइल रहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं ये पासिंग फेज है जाएगा कुछ लोगों का होता ही है कुछ लोगों का पासिंग फेज होता है क्योंकि वो अवस्था में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी अच्छा भी लगता है लेकिन वो फेज जाता है एक दो साल में और जानते हैं कि वो लिंगी है समलिंगी नहीं है लेकिन कुछ जो है वो समलिंगी है वो ऑब्वियसली उनका अट्रैक्शन बदलेगा नहीं या ट्रांस है तो ट्रांस के फीलिंग जाएंगे नहीं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जब होते हैं तब ये जानने के बाद कि मैं ऐसा क्यों हूं मेरे ही नसीब में क्यों आया है मैंने क्या पाप किया था मेरा कैसे होगा मेरे माँ बाप का कैसे होगा पता चलने पे क्या फायदा है जी जीने का अगर मेरे दोस्त नहीं स्वीकारेंगे पालक नहीं स्वीकार पेरेंट्स नहीं स्वीकारेंगे तो ये डिप्रेशन में जाते हैं कभी कभार एक्सट्रीम केसेस में आइडिएशन होता है भी होते हैं और बता नहीं पाते अगर माँ बाप भी पूछे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो बोल नहीं सकते कि क्या बताए क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप शायद बहुत सारे स्पेशली रूरल एरियाज में माँ बाप को इसके बारे में कुछ पता ही होता था तो उनको किस भाषा में समझाया कि वो समझ सके क्या हो रहा है ये भी एक सवाल होता है फिर गुस्सा होना खुद पे गुस्सा होना दुनिया पे गुस्सा होना के मी और वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी एंटी सोशल बिहेवियर बन जाता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बन जाता है फिर ढूंढने लगते हैं कि कौन सा डॉक्टर मुझे ठीक करेगा कौन सी दवाई है मैं लू ठीक करूं तो बात यह है कि ये तुम्हारा लेमैन uh, स्टर्म तुम्हारा ब्रेन का वायरिंग है तुम्हारा आकर्षण हो लिंग ले, भाव हो जो भी कुछ हो ये तुम बदल नहीं सकते ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कोई भी काउंसलिंग नहीं है थेरापी नहीं है जिससे हम बदल सकते हैं अगर कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स या बाकी कोई भी वैद्य बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ये है इसे आप बदल सकते हैं कोई भी हो तो ये झूठ बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और नेशनल मेडिकल कमीशन के जो सर्कुलर निकाला है उसके हिसाब से ऐसा कोई भी कन्वर्जन थेरापी करना लोगों को बदलाव करने इट्स नाउ अनप्रोफेशनल कंडक्ट तो ये अगर कोई करता है तो गलत है और इससे ऐसा कोई बदलाव होता नहीं है लेकिन इसकी वजह से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता है माँ बाप को आशा लगी ले, रहती है अच्छा ठीक अच्छा डॉक्टर बोल रहे तो ठीक होगा ऐसा कुछ होता नहीं है और ये सब इसमें उसका बाकी का जो एजुकेशन से शिक्षा हो नौकरी हो वो करियर में पूरा उसका मन जाता है कितना भी टैलेंटेड हो उसका मन नहीं लगता घर के घर वाले बोलते हैं शादी करो सब ठीक हो जाएगा इसलिए जबरन शादी करते हैं जिससे कुछ ठीक नहीं होता जोड़ीदार का नुकसान होता है क्योंकि वो जोड़ीदार के साथ रह नहीं सकता ठीक तरह से तो पूरी जिंदगी मेंटल हेल्थ वाइज बहुत ही पेनफुल और सफोकेटिंग होती है फिजिकल हेल्थ में भी असर होता है क्योंकि अगर मेरा कोई समझने वाला नहीं है तो मैं मेरे जैसे कम्युनिटी मेंबर्स को ढूंढता हूँ कि जो मुझे सपोर्ट करे जब तक वो हेल्दी सपोर्ट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स के तलाश करते हैं और मिलता है ठीक होता है क्योंकि उसके बाकी के अनुभव भी शेयर करने मिलते हैं, खुद के अनुभव बता सकते हैं और कहीं तो एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है लेकिन अभी इतने सारे डेटिंग एप्स आए हैं तो बिना खुद के सेक्सुअलिटी स्वीकारे बिना सपोर्ट ग्रुप का सहारा लेके खुद के लैंगिकता को समझने के बाद स्वीकारने के पहले ही डेटिंग करने लगते हैं और बहुत सारा सेक्सुअल एक्सपॉटेशन होता है ब्लैकमेल होता है रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आउट नहीं है अगर इनको ज्यादा करके इतनी जानकारी ऑनलाइन है कि आपको अगर लैंगिक संबंध करने हैं तो कॉन्डोम निरोध पहन के करने हैं ये समझते नहीं है और बिना कॉन्डोम के भी लैंगिक संबंध करते हैं तो एसटीआई टी होने की संभावना होती है एस्टोर्शन हरासमेंट लोग मार के पैसा छीन लेना ऐसे भी कई बार होता है कि जो रिपोर्ट नहीं कर सकते गुप्त रोग होते हैं तो किस डॉक्टर के पास जाओ क्योंकि डॉक्टर क्या बोलेगा ये वो डर रहता है वो रोग फैलते रहता है तो उससे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आने लगते हैं और एक से एक सो वन प्रॉब्लम लीड्स टू द अदर टू द एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सो एंड स्पेशली सिंस दिस इज हैपनिंग इन लेट्स से अबाउट 16 टू 20 22 इयर्स ऑफ एज व्हिच इज द मोस्ट वल्नरेबल बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में होता है तो उनको वो ट्रॉमा मानसिक और शारीरिक दोनों पे बहुत बड़ा होता है yeah. डेफिनेटली मतलब अगर कुछ भी बुरा ना हो तो भी डे टू डे लाइफ मतलब आपका शादी से लेके हेल्थ केयर जो आपने मेंशन किया या लॉ काफी रिसेंटली तक इवन बीइंग होमोसेक्सुअल वाज इलीगल अभी भी शादी इज इलीगल वी विल डेफिनेटली कम टू दैट बट रिलीजन से पुश बैक या आपके खुद के फैमिली से पुश बैक इज समथिंग की डेली बेसिस पे दीज आर कंसर्नस जो आते रहते हैं ऊपर और आपने ब्रीफली मेंशन किया है पर मानसिक स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और हम जब किसी को सपोर्ट करें या खुद के लिए हम क्या कर सकते हैं टू सपोर्ट हमारा मानसिक स्वास्थ्य इसमें दो सबसे दो बड़ी बातें हैं एक इस जितने हेल्पलाइंस हो जो इस विषय पे भी काम करते हो या मेंटल हेल्थ में एलजीबीटी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं ऐसे हेल्पलाइंस की बहुत जरूरी है कभी अगर मुझे महसूस होता है कि मैं किसी से बात करूं लेकिन मुझे डर लगता है कि किसी और को एलिजीबिलिटी व्यक्ति को ढूंढ के मेरी आइडेंटिटी शायद आउट हो सकती है तो एनोनिमसली कॉल करके हेल्पलाइन से तो बात कर सकते कि मुझे ऐसे घुटन होती है ये समस्या है मैं क्या करूं बाकी अगर कुछ भी मदद नहीं होती तो कोई तो समझ लेने वाला है लेने वाली है जो मेरी समस्या समझ सकती है और मुझे ना गलत बोलती है ना मुझे बीमार है या गलत है ऐसा कोई भी जजमेंटल एटीट्यूड बिना रखे कोई और जानकारी के साथ बात करते हैं ये उनके लिए एक दैट मे बी द ओनली आउटलेट मेनी ऑफ देम कैन हैव स्पेशली रूरल एरियाज में ये ऐसे आउटलेट्स होना बहुत जरूरी है दूसरी बात यह भी है कि जहां हो सके हेल्पलाइंस और उनको भी अलग अलग मार्गों से सपोर्ट एलजीबीटी सपोर्ट ग्रुप्स जहां चलते हैं वहां उनसे उनका लिंक करके देना क्योंकि सपोर्ट ग्रुप्स अगर अच्छे हैं तो सपोर्ट ग्रुप्स में हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग हम आमने सामने करते हैं हमारा सच्चा नाम बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सामने फ्लैश एंड ब्लड में कोई तो समय सामने बैठा है वो अपनी कहानी बता रहा है मैं खुद की कहानी बता सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि मेरे साथ जो आठ दस बीस पचास बैठे हैं शायद दोचारी हो ये सभी मेरे जैसे ही तकलीफों से गुजर रहे सभी एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहे और एक दूसरे से अगर बुरे अनुभव आते हैं तो लर्निंग्स है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए या मानो फॉर एग्जाम्पल बिना कॉन्डम के साथ मेरे से लेगी संबंध हुआ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में, में कोई बोलेगा कहा मैंने भी ये गलती की थी और आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे पास यहाँ पे है वहाँ कॉन्डोम डेपो है वहां से मिलते हैं हमारे पहचान का ये गवर्नमेंट का आईसीटीसी काउंसिलर है वहां पे हम एच की टेस्ट कर सकते हैं जो भी कोई हो या कोई डिप्रेशन में हो उसको एलजीबीटी फ्रेंडली मानस उपचार तदने की जरूरत है तो कोई रेफरेंस दे सकता है तो ये रेफरल लिंकेजेस बहुत हेल्पलाइन भी दे सकती है सपोर्ट ग्रुप भी दे सकता है और तो इनिशियल स्टेज में हेल्पलाइन मदद करती है क्योंकि वो एनोनिमिटी होती है लेकिन उसके बाद जरूरत ये भी बढ़ती है कि मैं ऐसे दोस्त बनाऊं कि जिसके साथ मैं चाय पीने के लिए जाऊं मूवी तो देखने के लिए जाऊं जस्ट हैंग आउट बिकॉज आई फील कंफर्टेबल बीइंग विद देम तो इस समय सपोर्ट सिस्टम्स होना तो सपोर्ट ग्रुप्स या एनजीओस भी अगर एनजीओ के ड्रॉप इन सेंटर्स है तो ऐसे ड्रॉप इन सेंटर्स का इस्तेमाल करना ये तीनों मेंटल हेल्थ के लिए बहुत क्रुशल है और इन तीनों का आधार लेके हमारे बारे में फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी लेके अपना आइडेंटिटी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्लियरली समझने के बाद हम दुनिया के सामने आगे जाना अच्छा होता है क्या, नहीं तो इट इज वेल दैट आपको जो अनुभव बाहर आएंगे वो झेलने के लिए जो मानसिक स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ लगती है वो नहीं होती है तो वो बहुत प्रॉब्लम आते हैं थैंक यू सर थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट इतने अच्छे से एंड डेफिनेटली मतलब हमारे भी फॉर मुक्ताज मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी having a focus on LGBTQ has been important for us बिन इम्पोर्टेंट फॉर एस क्योंकि especially जब हम ये मार्जिनलाइज community के बारे में बात करते हैं तो ये anonymous support काफ़ी ज़रूरी हो जाता है and जब कोई हमें trust कर रहा है तो तभी हमारा भी कर्तव्य होता है कि उनको थोड़ा सा मदद करना देखने में जब वो उनका खुद का आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनके आइडेंटिटी के कारण नहीं है पर जो हमारे समाज के ये द्वियाधारी या बाइनरी लेंस जो हम कहते हैं उसके कारण है एंड द क्वियरनेस इज नॉट द प्रॉब्लम एंड इसी में आई थिंक अपनी शादी के बारे में मेंशन किया तो आई थिंक नेक्स्ट वन की अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अक्नॉलेज किया कि जब क्वेरी uh, इंडिविजुअल्स भले ही यूनियन में आ सकते हैं लेकिन उनका शादी लीगलाइज़ नहीं कर सकते तो इसका कम्युनिटी पे और ओवरऑल समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं आह डेट इस � इसका थोड़ा सा मैं एक दो मिनट में हिस्ट्री भी दे दूंगा क्योंकि वो क्लैरिटी आना जरूरी है बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि सेक्स अलग है जेंडर अलग है और सेक्सुअलिटी अलग है अभी कायदे कानून भी इन सबको कुछ हद तक अलग अलग है 2013 में 13-14 में आर नॉट श्योर नालसा का जो जजमेंट आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस जो व्यक्ति है किन्नर तृतीय पंथी व्यक्तियों को एक अलग जेंडर लीगल आइडेंटिफिकेशन दिया तब तक हम एप्लीकेशन फॉर्म में देखते थे तो ओनली मेल एंड फीमेल था लेकिन अभी हम देखते हैं कि वो तीन होते हैं मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर तो एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार है कि मैं खुद को मेरे जेंडर के हिसाब से मेरा कायदे में भी आइडेंटिफिकेशन हो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हम आधार कार्ड में भी वो कर सकते हैं बाकी के डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं उसके आधार पे सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बनाया तृतीय पंथी हक्का संरक्षण विधेयक इसका मतलब है कि ये जो कानून बनाया उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी किन्नर या ट्रांसमैन या ट्रांस वूमन या द्विलिंगी यानी इंटरसेक्स जो सेक्स का हमने पहलू देखा वो या जो सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज बोलते हैं हिजरा हो जोक्ता हो न, ये सब अगर वो मानते हैं कि उनका जेंडर मेल नहीं है फीमेल नहीं है और ट्रांसजेंडर है तो एफिडेविट बना के वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को ये भेज के उस जिले के कलेक्टर से आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट अभी वो दे सकते हैं हमने खुद ने मेरी जो संस्था है बिंदु प्य फाउंडेशन उन्होंने तकरीबन डेढ़ सौ पौने दो सौ लोगों को ऐसी मदद की है वो जहां रहते हैं वो जिले के कलेक्टर से वो सर्टिफिकेट उनको सर्टिफिकेट और आईडी ऐसे दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड जैसे बोलते हैं और वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट की मदद लेके वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम और जेंडर बदल सकते ये सिर्फ जेंडर के लिए है ये समलिंगी लोगों के लिए या उभयलिंगी गे या लेस्बियन या बायसेक्सुअल लोगों के लिए नहीं है ये सिर्फ इनके लिए है कि जिनका जेंडर मेल या फीमेल मानते नहीं ट्रांसजेंडर है या जिनको हमारा जेंडर अलग है इसलिए बदलाव करना है मेल से ट्रांसजेंडर या मेल से फीमेल और अगर फीमेल है तो फीमेल से ट्रांसजेंडर या फीमेल से मेल इनके लिए है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस लॉ इज फॉर ट्रांस इट इज अबाउट जेंडर Not about और बड़े होते हुए समझ में आए कि नहीं मैं लड़की महसूस करता हूँ खुद को तो उनको ये मूलभूत अधिकार है कि उनके ऐसा आईडी लेके उनके डॉक्यूमेंट में बदलाव करके स्त्री बनना नाम भी बदल के स्त्री का लेना ये हुई एक बात अभी आपने जो सवाल पूछा शादी का तो शादी का जो सुप्रीम कोर्ट में हमने बहुत सारे कपल्स ने जो अः पिटिशन फाइल किया था याचिका दाखिल की थी के दो पुरुषों को या दो स्त्रियों को अगर प्रौढ़ हो सम्मति में हो तो उनको समलिंगी शादी करने का हक होना चाहिए और धार्मिक जो कायदे हैं हिंदू मैरिज एक्ट हो तो ऐसे तो इनको हम हाथ नहीं लगाना चाहते किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुंचाना नहीं चाहते लेकिन जो सेक्युलर मैरिज एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट ये जो सेक्युलर है ये अंतर जातीय विवाह हो या अंतर धर्मीय विवाह हो जिसको वो इंक्लूसिव है तो ये समलिंगी कपल्स के लिए भी लागू होना जरूरी है कि जो अभी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पांच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पांच जजेस थे तो अलग अलग की राय अलग अलग आई दो जजेस ने कहा कि ऐसे कानून होने चाहिए लेकिन वो सरकार करे क्योंकि द राइट ऑफ मेकिंग अ लॉ ये पार्लियामेंट का काम है हमारा नहीं है लेकिन मेजोरिटी जजमेंट ऐसा आया कि ये क्वा, ऐसे कायदे कानून करने हो कैसे करने हैं हो, कर, हो या ना हो ये भी पार्लियामेंट तय करेगी हम ऐसे डायरेक्शन नहीं देंगे सो वॉट इज द आउटकम उन्होंने ये कहा कि ये सबके लिए पहला मुद्दा सबके लिए है कि शादी का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है किसी के लिए भी स्त्री और पुरुष के लिए भी शादी करने का अधिकार ये मूलभूत अधिकार नहीं है ये एक बहुत ही आ, 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 निगेटिव या रिग्रेसिव जजमेंट है क्योंकि जो हम मानते आए थे कि पिछले केसेस के जजमेंट से कि शायद कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा नहीं है कि शादी करने का अधिकार मूलभूत है लेकिन बाकी के पहले जो जजमेंट थे उनसे हमने अनुमान लिया था तो वो ऐसा नहीं है ऐसा सबने कहा है ये बहुत ही वेरी डिसअपॉइंटिंग बात है दूसरा कोर्ट ने कहा कि समलिंगी शादी दो स्त्रियों में या दो पुरुषों में करनी है तो उसके कायदे कानून वो पार्लियामेंट का डिसीजन लेगी हम ऐसे कुछ डिसीजन नहीं ले माइनॉरिटी जजमेंट और सरकार ने ये भी कहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करेंगे उनकी ऐसे बनेंगी लोगों को शादी बना सकते हैं कि तो जो इस जजमेंट में हुई कि जो बाकी के कोर्ट ने बताया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली कह दिया कि कोई भी ट्रांसजेंडर किन्नर विरुद्ध के लिंग के विरुद्ध जेंडर के व्यक्ति से शादी सारा समुदाय शादी नहीं कर सकता ये जो आपने कहा था वैसा नहीं है तो सिर्फ समलिंगी पुरुष और समलिंगी स्त्री अपने शादी नहीं कर सकते लेकिन ये सभी के सभी लिविंग रिलेशनशिप या सिविल यूनियन के जैसे रिलेशनशिप में रह सकते हैं उन पर कोई भी समाज किसी भी आ, तरीके से भेदभाव नहीं कर सकता उनका वो मूलभूत अधिकार है एज ए लिविंग रिलेशनशिप में रहना उनका भेदभाव नहीं कर सकते लेकिन वो शादी नहीं कर सकते ये फर्क है थैंक यू सो फॉर क्लैरिफिकेशन मतलब पार्लियामेंट को ये लेना पड़ेगा अगर यूनियन है तो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इनाफ एक्शन नहीं लिया है बट ये परस्पेक्टिव बहुत ही यूजफुल रहा है एंड um, इसी के साथ आई थिंक मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा कि आपने रिसेंटली एक आर टी आई फाइल किया था जहाँ जहाँ बिहार में टोटल कितने ट्रांसजेंडर आई डीज किए हैं उसका काउंट लेना चाहते थे एंड आई थिंक जो नंबर ऊपर आया था वो टू फिफ्टी था विच इज़ लेसर देन टोटल सिर्फ पुणे में जितने ट्रांसजेंडर आई डीज हुए हैं तो मैं ये समझना चाहूँगी कि जब जनसंख्या की ये विविधता अगर ट्रांसजेंडर की पहचान बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं हम दर्शा पाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है अब बात यह है कि मैंने आरटीआई इसलिए फाइल किया था क्योंकि बिहार ने एक सेंसस जाति का जाति गणना पिछले साल में की थी और मैंने जब वो रिपोर्ट देखा तो उन्होंने एक्चुअली तृतीय पंथी या किन्नर ये जात नहीं है क्योंकि किन्नर किसी जात का भी हो सकता है किसी धर्म का भी हो सकता है तो ऐसी विशिष्ट जात नहीं है लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने क्यों किया पता नहीं शायद उनको इसी एक्सरसाइज में देखना चाहते थे शायद मैं अनुमान लगा रहा हूं कि कितने ट्रांसजेंडर बिहार में हैं तो उसकी गणना कुछ छह सौ कुछ तो तेरा तीस या ऐसे कुछ तो आई अभी सारे बिहार राज्य में सिर्फ इतनी छोटी तृतीय पंथी की गणना होना तो ऑब्वियसली मेथडोलॉजी या बहुत सारे इश्यूज होंगे शायद ज्यादा करके घर में रहते हो तो घर के लोगों के सामने मैं तृतीय सर्वे में नहीं आया होगा पता नहीं मुझे सर्वे no तो, तो मुझे ये मैं सोचने लगा इसके बारे में कि एक तरफ से हमारे ट्रांसजेंडर अभी आप पूना में देख लोगे तो महाराष्ट्र में देख लोगे तो जड़गांव में दो दिन पहले तृतीय पंक्तियों को आरक्षण के लिए उनका धरना हुआ था और तृतीय पंक्ति आरक्षण मांग रहे अभी तृतीय पंक्ति जात नहीं है तो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं मांग सकते लेकिन उनका कहना है और मैं मानता हूं और मेरा सपोर्ट भी पूरा है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हम जिसको बोलते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीपल विद डिस को या औरतों को मिलता है ऐसा कुछ हद तक तृतीय पंतियों को भी मिलना जरूरी है अभी वो कितना परसेंटेज होना चाहिए तो कर्नाटक ने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वन परसेंट दिया है वो एक प्रतिशत क्यू दिया डेढ़ क्यों नहीं दिया आधा ही प्रतिशत क्यों नहीं दिया ये मुझे पता नहीं क्योंकि आई डोट नॉट डिटेल्स की वो वन एक प्रतिशत कैसे आया लेकिन पुणे के सॉरी महाराष्ट्र के जो अभी जलगांव में हुआ वहां भी वो एक प्रतिशत मांग रहे अभी मेरा कहना यह है कि उनकी मांग के रिजर्वेशन होना चाहिए इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसलिए हमारी संख्या कितनी है ये जानना बहुत जरूरी होता है और मुझे देख के जरा मैं हैरान हुआ कि बिहार में अगर पूरे राज्य में सिर्फ 600-700 ही तृतीय पंथी है तो सरकार किस गां से इनको रिजर्वेशन देने का सोचेगी तो मैंने सोचा कि शायद मैं किसी और एंगल से ये नंबर कुछ अलग मिलते हैं क्या देखूं इसलिए मैंने आरटीआर रिक्वेस्ट फाइल की इनके ट्रांसजेंडर आईडी कलेक्टर से कितने मिले कितने हैं तो उसमें से पचास पेंडिंग है और बाकी सारे जो इश्यूज किए दोनों मिला के दो सौ पैतालीस उन्होंने आर टी आई दिया तो अगर ऑफिशियली दो सौ पैतालीस ही रजिस्टर्ड तृतीयपंथी है तो अगर बिहार राज्य को वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मांगते हैं तो सिंस द नंबर इज सो स्मॉल उनको न्याय मिलना कितना मुश्किल होगा अरे इतने ही है क्या तो कोई इसे सीरियसली नहीं लेगा तो जितने हम रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा इश्यूड बाय द कलेक्टर सर्टिफिकेट है तो उतना उनका नंबर देखेगा उनकी पावर होगी नेगोशिएशन में कि इतने हमारे लोग है देखो कि इतने हजार है कि जिन्होंने अभी पुणे में मैं मैंने खुद नहीं डेढ़ सौ पौने दो सौ लोगों का अगर मैंने किया है तो पुणे में बाकी के जो एनजीओ है युतक है पुनिया प्राइड फाउंडेशन है इन्होंने भी डेढ़ सौ दो सौ लोगों के किए हैं तो ऑब्वियसली इन हमारे तीन एनजीओ का ही डेटा सारे बिहार के आई डी से दुगने से ज्यादा है तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हम तो यहाँ कर रहे रहेगा लेकिन ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ने सभी जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितना गवर्नमेंट आईडी दे के एम्पावर करे उतना उनके लिए आसान है क्यों आसान है अभी पुणे में और पिंपरी चिंचविपल कॉरपोरेशन ने कुछ तृतीय को ट्रांसजेंडर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम पे लिया है पीसीएमसी में बीस तीस लोगों को पुणे में कुछ दस लोगों को किया सिक्योरिटी का जॉब हो ग्रीन मार्शल का जॉब हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया है गुड स्टेप के एक बदलाव सरकार ने ही खुद ने कॉरपोरेशन ने शुरू किया है लेकिन उनका एक कंडीशन होता है कि जब तक तुम्हारे पास ऐसा आईडी नहीं है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगर बिहार सरकार ऐसी स्कीम चलाती है तो इतने कम अगर लोग हैं, तो प्रॉब्लम यह आएगी कि कितने लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल सकता है तो जितने लोगों के पास गवर्नमेंट आईडीज हो उतने लोग जो भी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हो ये एम्प्लॉयमेंट हो या बाकी कोई स्कीम्स हो पेंशन योजना हो जो भी कुछ हो दे विल नॉट बी एलिजिबल बिकॉज दे डोंट हैव दैट आईडी तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रांस एक्टिविस्ट हो या एल एक्टिविस्ट हो वो खुद ये उनको जानकारी दे और उनको ये एफिडेविट बना के ऑनलाइन फाइल करने में मदद करे क्योंकि उनको तो ऑनलाइन फाइलिंग एंड ऑल दैट तो आता नहीं है हमें हम, हम एफिडेविट उनको बना के लाने के लिए बोलते हैं उसके बाद उसका सब स्कैनिंग करना वो अपलोड करना उनसे डेटा लेके भरना वो सब हम फ्री में ऑनलाइन करते आए लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने में होना जरूरी है नहीं तो उनको जो भी कोई सुविधा और बहुत सारी सुविधा आ रही है उनको उसका फायदा कुछ नहीं मिल सकता बिकॉज दे डोंट है

और इंटरसेक्स समुदाय के लिए है गे लोगों के लिए या लेसबियंस लोगों के लिए ऐसा कोई आईडी सर्टिफिकेशन नहीं है ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी जो बात हो रही है वो ट्रांस इंटरसेक्स ऐसे वर्गों के लिए होती है गे और लेस्बियंस के लिए ऐसा कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनका जेंडर अलग नहीं है उनका सिर्फ सेक्सुअल लैंगिक आकर्षण अलग है तो उनके मुद्दे अलग है उनको डिस्क्रिमिनेशन उनको देख के नहीं होता है लेकिन जब पता चलता है कि ये गे है तो घर वाले जबरदस्त शादी जबरन शादी कर सकते हैं कंपनी में पता चलता है तो शायद डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उनका अगर सेमसेक्स पार्टनर हो तो उनकी मुसीबत मुझब, मुसीबत ये होती है कि कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस में, में मेरा सेमसेक्स पार्टनर डिपेंडेंट में दे सकूं क्या तो उनके प्रॉब्लम्स है लेकिन जेंडर के जैसे जो प्रॉब्लम है कि जहाँ समाज से ही आपको घर से हकाला दिया जाता हो या आपके आप अलग कपड़े पहनते हो अलग लाइफस्टाइल जीते हो इसलिए जिस तरीके से समाज से बहिष्कृत किया जाता है तो कुछ हद तक प्रॉब्लम सबके समान है लेकिन ट्रांस के जो हमने हुँ. देखा है कि वो जिस तरीके से जिंदगी जीते आए हैं पैसे मांगते हो ताली बजा के पैसे मांग हो तो वो सबसे समाज से वंचित घटक को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लेके ऊपर आने की लाने की कोशिश हो रही है समलिंगी और लेस्बियंस को भी अधिकारों की जरूरत है लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन या आईडी और सर्टिफिकेट की वैसी कोई जरूरत महसूस नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अबाउट जेंडर देयर इशू इज अबाउट सेक्शुअल अट्रैक्शन नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक थोड़े जो चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस हैं वो अभी भी सेक्स uh, सेक्सुअलिटी sex, और जेंडर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करें पर हम उस पर आते हैं बिफोर um, हम ऑडियंस uh, के क्वेश्चंस को जाए जस्ट हमारा जो भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उसको रैप अप करने के लिए कि जब हम ये समझते हैं तो इसमें हम कैसे हमारी संस्कृति में थोड़ा और सम्मान और समानता लाने के लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं बात यह है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हम भी इंसान हैं और एक ट्रांस का रिजर्वेशन का मुद्दा छोड़ा तो बाकी कोई अलग हक नहीं मांग रहे वो बाकी के समाज को जो अधिकार है वो ही मांग रहे क्योंकि वो समाज ने जो और कायदे कानून ने जो उनको वंचित कहा वैद्यकीय लोगों ने मेडिकल साइंस ने उनको बीमार कहा समलिंगी संबंध को गुन्या गुनेगार ऐसे लोगों को गुनेगार मेरे जैसे लोगों को गुनेगार बना तो ये टैग सब निगेटिव हटा के बाकी के लोगों को जो इज्जत से जीना चाहते हैं उसी इज्जत से जीने के हम चाह रहे समलिंगी विवाह का भी यही था कि सिर्फ शादी करने के बाद उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो एक ही बात है लेकिन सबसे पहले दो मुद्दे हैं समानता और इज्जत हमको बाकी लोगों के साथ समान हक से जीने दो बाकी लोगों को जो इज्जत मिलती है वो हमें मिलने दो और फिर कायदे कानून के हिसाब से शादी के हिसाब से जो भी कुछ प्रोटेक्शन आते हैं फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिकोमेस्टिक देखते हैं कि और को कोई हिंसा होती है तो वो सिविल रेमेडी है तो ऐसे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो कायदे कानून हो वो हमें भी मिले वो सुरक्षित हमें भी मिले प्रोटेक्शन ग्रेचुअटी में जैसे स्पेसिफिक uh, रिलेशंस को ग्रेचुअटी मिलती है तो ऐसे हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं हम अलग स्पेशल हमको कुछ चाहिए या हमको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दो ऐसी मांग तो हमारी बिल्कुल नहीं है तो इसलिए सबको समानता और इज्जत देने में वो हम वो कोई किसी पे एहसान भी नहीं कर रहे हैं वो हरेक का हक है और वो उतना ही वो मांग रहे हैं पॉइंट uh, हम रिस्पेक्ट uh, या समानता के बारे में बात करते हैं तो काफी बार ऐसा लगता है कि अच्छा हम किसी पे दया कर रहे हैं या उपकार कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट आपने हाईलाइट किया है वी हैव टू मूव ये जो संस्कृति है वो परंपरा से जो चलती आए कि किन्नर ताली बजा के पैसे मांगेंगे उनका बाकी मेनस्ट्रीमिंग होना नहीं पॉसिबल था अभी हम देखते हैं कि हम कॉर्पोरेट्स भी हमने कॉर्पोरेट्स में ट्रांस देखते हैं कि वहां पे वो सीख रहे हैं उनको एफर्मेटिव एक्शन प्लान में उनको स्किल्स सिखाते हैं एब्सॉर्ब करते हैं हमने कॉर्पोरेशन में भी देखे हैं वो काम करने लगे हैं हमने देखा है केरला में मेट्रो ने भी आ, ट्रांस को काम को आ, आ, काम दिया है वी हैव सीन इन बंगाल एक ट्रांस प्रिंसिपल कॉलेज की प्रिंसिपल हो चुकी है आई नो वी नो ट्रांस पीएसआई बनने लगे है इस समय पुणे में जो कांस्टेबल का जो हायरिंग uh, uh, चल रहा था तब पुणे के सात ट्रांसजेंडर uh, ने परीक्षा दी उसमें से तीन फिजिकल इसमें पास भी हुए दे डिड नॉट पास इन द राइटिंग एग्जाम लेकिन वो भी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि मुझे भी यूनिफॉर्म पहने का इतना ही हक है जितना तुम्हें है तो आई थिंक द सोसाइटी हम सभी को ये जरूरी है कि ये एक बाजू से हजार तृतीय पंथी है जो पैसे मांग रहे हैं। लेकिन उसमें से एक दो है कि वो रास्ता बिना चुने किसी और रास्ते से जाना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके मेन स्ट्रीमिंग होना चाहते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई टीचर बनना चाहता है कोई पुलिस बनना चाहता है कोई वकील बनना चाहता है तो हम किस प्रकार से ये जो इतनी परिश्रम लेके समाज के खिलाफ जाके मेनस्ट्रीम होना की कोशिश जो करते हैं

तो इट आल्सो फॉर्म्स रोल मॉडल है और ज्यादा, more, minute, me, uh, ये का भी, अगर खिलाफ जजमेंट आया ये सही है बट दॉट द एंड ऑफ दस हमने मेरी बिंदु के राइज फाउंडेशन हमने काम शुरू किया है की हम एक ऐसा मैन्यूल बनाने की कोशिश कर रहे के बिना शादी करके ऑबवियसली बिकॉज़ इट्स नॉट लीगल समलिंगी कपल्स जो रहते हैं वो उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और वो प्रॉब्लम्स के लिए वर्क अराउंड्स क्या-क्या हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम है कि जॉइंट अकाउंट खोलने में तो कौन सी बैंक है कि जो अलाउ करती है अगर तो ऐसे के उनको सिविल यूनियन का अभी मूलभूत अधिकार है तो उस अधिकार पे बिना शादी के उनको रहना पड़ रहा है तो उनको क्या दिक्कतें आती है और वो सुलझाने के लिए क्या मार्ग होते हैं ऐसा डॉक्यूमेंट बना के हम पब्लिकली शेयर करेंगे फॉर फ्री डाउनलोड ताकि ऐसे कपल्स को जब शादी के कायदे कानून बनेंगे तब बनेंगे लेकिन उनकी अभी जो जिंदगी में तकलीफे हैं वो कम से कम हो और एक दूसरे से वो लर्निंग करके अपनी जिंदगी ज्यादा कम तकलीफों से ज्यादा अच्छी तरीके से जी पाए इसके लिए कोशिश हमारी शुरू हो चुकी है Wonderful. हम definitely पे भी इसको refer करना चाहेंगे। ठीक so, है। इसके साथ हम लोग ऑडियंस के लिए खोलते हैं क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग पर per पर्सन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अगर टाइम रहा बचा तो हम वापस तो. आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे बस नाम एंड ब्रीफली आपका क्वेश्चन रखें तो चैट बॉक्स से डॉक्टर रूपा आप शुरू कर सकते हैं फिर राहुल जी और फिर हम बाकी का क्यू खोलेंगे ओके okay. ठीक है um, मैं रीड कर लेती हूँ तो um, डॉक्टर रूपा ने पूछा है कि कैन अ पर्सन चेंज फ्रॉम हेट्रो और होमोसेक्सुअल टू ए और बाइसेक्सुअल इन रेयर केसेस यस बट दीज आर रेयर फॉर मोस्ट पीपल आवर सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इज मोर और लेस फिक्स्ड तो मैं गे हूं तो मैं जब सेवेंथ स्टैंडर्ड से मुझे पता चला मैं गे हूं अभी भी मैं गे हूं एंड देयर इज बी नो चेंज ज्यादा करके लोग जो भिन्न लिंगी है वो हमेशा भिन्न लिंगी ही रहेंगे बट देर आर एक्सेप्शनल केसेस वेर दिस माइट चेंज और ये क्यों होता है कैसे होता है ये अभी तक साइंस को पता नहीं चल रहा बट आई नीड टू एड ये जो जनरली कुछ लोग कहते हैं कि विच मीन्स इसका इन्फ्लुंस गलत निकालते हैं। एवरीबडी जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज फ्लूइड किसी का भी बदल सकता hmm. है और ये गलत है लेकिन वो rare cases का जनरलाइजेशन करके ऐसा स्टेटमेंट करना कि एवरीबडीज जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज समथिंग वुड बी अ स्टेटमेंट आई डू नॉट एग्री विद Um, दो क्वेश्चन है जो लेबलिंग um, के ऊपर है सेक्शुअल और पैन uh, का मीनिंग एज वेल एज ए सेक्शुअल कैन दे चेंज टू सिस्टेंड तो ये दोनों जो सेशन uh, के बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे रिसोर्सेस देंगे वहाँ कवर हो जाएगा नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है कि बाई वॉट एज डज अ पर्सन अंडरस्टैंड देयर ओन सेक्शुअल आइडेंटिटी दिस इज अगेन देर इज नो फिक्सड एज हमने देखा है कि कुछ सात आठ साल के बच्चे भी क्लियरली बोलते हैं कि लड़का बोलता है मैं लड़की हूं और कभी कभार हमने देखा है कि तीस पैतीस साल होने के बाद शादीशुदा बच्चे होने के बाद भी महसूस करने लगते हैं कि आई नो नाउ दैट माई जेंडर इज नॉट दिस बट दिस बात द ट्रिकी पार्ट इज टाइम एंड अगेन जो रिसर्च पेपर्स निकले हैं पेरेंट्स को जब लगता है कि बच्चा फेमिनिन है तो ये शायद ट्रांस हो सकता है उनका जेंडर आइडेंटिटी असेसमेंट भी होता है और इसको हम टेंटेटिव असेसमेंट बोलते हैं क्योंकि रिसर्च बार बार ये कह रहा है कि पचास प्रतिशत ऐसे केसेस होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो जब छोटे बच्चे होते तो हमको टेंटेटिव डायग्नोसिस होता है कि ये ट्रांस है लेकिन बड़े होने के बाद वो ट्रांस नहीं होते एंड सो ऑब्वियसली देर आर मेनी केसेस जो छोटे बच्चे होते समय हम वो समझते नहीं कि ये ट्रांस है या मानते नहीं ये ट्रांस है लेकिन बड़े होने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ट्रांस हूं तो सिर्फ लड़का फेमिनिन बिहेवियर का है या लड़की जरा लड़के जैसे खेलती है कूदती है तो इसका मतलब ये ये ट्रांस है ये अनुमान बिहेवियर से निकालना बहुत ही गलत है और वो उस बच्चे पे भी हो सकता है क्योंकि फिर फिर पेरेंट्स दे ट्राई टू चैनल दैट पर्सन और डायरेक्ट दैट पर्सन पनिश दैट पर्सन टू मेक ऑफ अ पर्टिकुलर चेत पहली बात यह कि ऐसा कोई भी शिक्षा किसी का जेंडर बना भी नहीं सकती और बदल भी नहीं सकती ना जेंडर ना सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो बिहेवियर से छोटे बच्चे के या दस बारह साल के बच्चे के बिहेवियर पे अनुमान करके आ, उसका जेंडर तय करना ये गलत है लेकिन कुछ केसेस में बहुत ही क्लियरली वो बच्चा पहले से ही बताता है मैं ऐसा हूं और वो कंसिस्टेंट रहता है तभी भी ट द चाइल्ड इज ऑफ एटीन एडल्ट हमारा हम सूचना uh, है बच्चे को वैसे ही प्यार से ला बढ़ाओ कोई भी बदलाव लाने की कोशिश मत करो क्योंकि कोई बदलाव आएगा नहीं अगर बच्चा वैसा नहीं है तो ऑब्वियसलीर विल अगर वो बच्चा ऐसा है तो कुछ भी करके वो बदलेगा नहीं उसको आप तकलीफ देते रहो अठारह साल पूरे होने के बाद आप उनका जेंडर असेसमेंट कीजिएगा फ्रॉम और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई नीड टू वॉन बहुत सारे साइकैट्रिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जेंडर आइडेंटिटी असेसमेंट आता नहीं है तो बहुत 99 परसेंट चांस है कि आप ऐसे साइक्रिस्ट के पास जाओगे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनको इन विषय की कोई भी पहचान नहीं है सो यू नीड टू बी केयरफुल तो ऐसे ही के पास जाए कि जो जेंड अभी पुना में हमारा एमओयू है भारतीय विद्यापीठ हॉस्पिटल के साइकैट्री डिपार्टमेंट के साथ इज द फर्स्ट एल जी बी टी इंक्लूसिव क्लिनिक इन महाराष्ट्र तो डॉक्टर ज्योति शेट्टी इज द एचओडी देयर एंड हमारे ट्रांसजेंडर असेसमेंट के लिए महाराष्ट्र से पूरे जड़गांव हो जरनागिरी हो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ असेसमेंट करने के लिए नीड टू ट्राई टू हैव इट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बट लेकिन बात यह है कि वो असेसमेंट एडल्ट होने के बाद होना गिव्स यू रीजनेबल क्लैरिटी की उनका जेंडर uh, क्या है तो देर इज नो वन आंसर फॉर योर क्वेश्चन ऑन जेंडर और कुछ ऐसे भी रहेंगे जो अठारह साल के बाद भी नॉट श्योर रहेगी मे बी बिकॉजेंडर क्योंकि दोनों के तरफ आकर्षण है या क्लैरिटी नहीं शायद दोनों की तरफ आकर्षण नहीं है अभी तक मैम क्लियर नहीं बता पाता देट इज फाइन नॉट बींग शोर अबाउट ये जो होता है ना कि तुमको यहाँ पे बैठना है या यहाँ पे बैठना है ऐसा मत करो हो सकता है कि वो कहीं भी नेचुरली नहीं बैठेंगे एंड दैट इज नॉर्मल टू तो ऐसे मत समझो कि अगर मैं गेह में नहीं बैठ पाता मैं बाय में नहीं बैठ पाता तो इसका मतलब है मैं, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है आई हैव टू फिट इन वन अदर नॉट नेसेसरी यू कुड बी वन ऑफ द केसेस कि जो किसी क्लियर स्लॉट में नहीं बैठता एंड दैट इज ओके दैट इज नॉर्मल राहुल um, जी का क्वेश्चन है कि कैन सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ओनली बी डन फॉर स्पेसिफिक सेक्स और पॉसिबल फॉर मोर वो मेल बनना चाहती है बिकॉज हर जेंडर इज मेल या कोई मेल है लेकिन उसका जेंडर फीमेल है उसको औरत बनना है तो द प्रोसेस इज ए यू हैव टू गेट योर जेंडर असेसमेंट डन दो इंडिपेंडेंट आपके इंटरव्यू लेंगे आपके घर वालों के इंटरव्यू लेके आपकी चाइल्डहुड हिस्ट्री समझ के लेंगे और बाकी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है ना ये असेसमेंट टेस्ट करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके देख लेंगे और फिर दे विल सर्टिफाई गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ जेंडर डिस्फोरिया तो इंडिपेंडेंट साइको शुड कम टू द वही कंक्लूजन पे आना जरूरी है कि दो साइकोट्रिस्ट वही नतीजे पे पहुंचे मतलब आपका शरीर का, शरीर का का लिंग एक है लेकिन आपका जो जेंडर है वो लिंग से मैच नहीं करता वो अलग है ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको एक साल से डेढ़ साल तक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से हार्मोन थेरेपी लेनी पड़ती है तो अगर लड़के को लड़की बनना है तो फीमेल हार्मोन्स लेके उनका शरीर थोड़ा सा औरत के जैसे बनना लगेगा उनके स्तन थोड़े से बढ़ने लगेंगे इस प्रकार से और साल डेढ़ साल के हार्मोन थेरेपी के बाद वो टॉप सर्जरी यानी स्तन बिठा के लेना या बॉटम सर्जरी कर सकते हैं अगर लड़की को मर्द बनना है तो वही जेंडर असेसमेंट दो जेंडर डिस्फोरिया के सर्टिफिकेट साल डेढ़ साल टेस्टोस्टेरोन, यानी मेल हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट और उसके बाद टॉप सर्जरी यानी स्तन कम करके लेने हैं या बॉटम सर्जरी के अलग अलग प्रकार है वो करके लेने हैं तो ये दोनों कर सकते हैं बट दिस इज द प्रोसीजर दैट हेज टू बी फॉलो विदाउट जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट नो सर्जरी विल बी डन विदाउट जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट हॉर्मोन थेरापी के नॉट बी स्टार्टेड और जो कोई सिर्फ मेडिकल स्टोर जाके डायरेक्टली बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना डॉक्टर के सलाह से हॉर्मोन्स लेने की कोशिश करते है कुछ लोग ऐसे करते हैं उनको वार्निंग है कि ऐसा मत करे उसके सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं तो हॉर्मोन थेरापी है डायरेक्शन ऑफ एन इंडोक्रोनोलॉजिस्ट ओनली अपने मन से किसी का प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाइया मत ले लो

ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एल जी बी टी क्यू एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अंग्रेजी में है वो वो ज्यादा डिटेल में ये ट्रांजिशन और इसके बारे में बताता है ये दोनों पी डी एफ फाइल फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड के लिए ये एच टी टी पी कोलन स्लैश स्लैश बिंदु माधव डॉट कॉम पे फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है वो मोबाइल से शायद डाउनलोड नहीं होगी बिकॉज द पेजेस आर मोर लेकिन लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप डाउनलोड कर पाएंगे

मैनुअल से हैंडबुक से किताबें हैं सारे के सारे पीडीएफ फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली शेयर कर सकते हैं उसका प्रिंट ले सकते हैं इट्स ऑल फॉर फ्री अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो ऑब्वियसली विल हैव टू पे फॉर द बुक एंड द कूरियर कॉस्ट लेकिन फ्री में चाहिए तो पीडीएफ्स आर ऑल फॉर फ्री हम ये और थोड़े और रिसोर्सेज व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे तो मैं उसका लिंक हमारे सेशन के एंड sure. में डाल दूंगी तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके बाय डे एंड वहाँ आ जाएंगे ये मटेरियल्स नेक्स्ट माधुरी और सरिता ने कहा है कि आ, इन लोगों के लिए सरकारी जॉब कर सकते हैं क्या इन लोगों ने सॉरी सरकारी जॉब कर सकते हैं क्या हाँ अदरवाइज वाई वुड दे हैव अप्लाइड फॉर अ पुलिस कांस्टेबल पोस्ट तो यस देर नो वो जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन का जो सेक्शन है उसमें शिक्षा में वैद्यकीय सुविधाओं में नौकरी में व्यवसाय में या किसी भी सरकारी पद या राजकीय पद पे इलेक्शन लड़ने के लिए भी हो कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता hmm.

उसपे कोई एक्शन होगी क्या नहीं पता नहीं सकता लेकिन यस इट इज इट वी रियली होता क्या है कि एक में कुछ तो लिखा है, और में थोड़ा तुकड़ा है, में थोड़ा तुकड़ा है। लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए एक अलग सा कायदा होना जो जरूरी है स्पेशली नॉन डिस्क्रिमिनेशन वो तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है right. ज्योति सिंह जी का क्वेश्चन है और डॉक्टर रूपा का दोनों का कम्बाइन करके पूछ रही हूँ एक तो कि जब ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध है तो क्यों आ, लोग उसके लिए नहीं आ, क्यों यूज नहीं करते एंड कि बिहार राज्य में ट्रांसजेंडर लॉ के बारे में जागरूकता कैसे फैला सकते हैं क्योंकि अभी काफी हिंसा है और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता यस yes, एक्चुअली ये ज्यादा करके काम लोकल एन का है और ज्यादा जो NGOs, ट्रांस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं वो शायद पे काम करती हो वो शायद आ, कुछ सिखाने का काम करती हो या राशन किट देने का काम करती हो जो भी कुछ है जिनका ग्राउंड कम्युनिटी के साथ तल्लुकात है उनके गुरु के साथ तल्लुकात है कि जिसके उनके चेले भी हम कॉन्टेक्ट कर पाएंगे ये जरूरी है उस लेवल का क्योंकि मेनस्ट्रीम कम्युनिटी इज़ नॉट वो मेनस्ट्रीम कम्युनिटी और ट्रांस में इतनी बड़ी दीवार है बीच कम्युनिकेशन की मेनस्ट्रीम कम्युनिटी ट्रांस के साथ काम करना भी डरती है और ट्रांस का मेनस्ट्रीम कम्युनिटी पे विश्वास नहीं है क्योंकि बचपन से माँ बाप ने भी जो सुलूक किया है वो देखते उनका मेन पे भी ज्यादा विश्वास नहीं है तो ये, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये आईडी का महत्व और ये कैसे करना ये सीखना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ भरना है कौन सी जानकारी लगती है डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने पड़ते हैं फॉलोअप लेने के लिए वो जिले के जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय विभाग जैसे पुणे में इधर अः आलंदी रोड पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन जो है वहां पे हम फॉलोअप लेते तो ऐसे उधर जाके फॉलोअप करना पड़ता है ये एनजीओ का और ट्रांसजेंडर का एक्टिविस्ट का काम है मेरे मेरा ये मेरी ये समझ है कि जितना काम ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट फील्ड पे ये सब अवेयरनेस और ये करना चाहिए उसमें और भी बहुत ज्यादा स्केलिंग अप होने की जरूरत है Definitely. डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले uh, एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी कि जब हम लोग कहते हैं कि कोई हेट्रोनॉर्मेटिव इंडिविजुअल्स नॉर्मल है तो हम ऑटोमेटिकली ये कह रहे हैं कि एल जी बी टी को क्यू कम्यूनिटी अब नॉर्मल है तो हम हमारे लैंग्वेज में भी थोड़ा सा कैसे इंक्लूसिव रह सकते हैं उस पर हम लोग ये सेशन के बाद ध्यान दे सकते हैं क्या ये सब के लिए रिक्वेस्ट होगा एंड इंस्टेड ऑफ़ की जब हम प्रोनाउन्स भी यूज़ करें किसी ने अगर स्पेसिफिक प्रोनाउंस कहा है कि जो उनके जेंडर के साथ अलाइन हो रहा है तो प्लीज़ आप वो प्रोनाउन्स यूज़ कीजिए एंड हमारे बातचीत में इंस्टेड ऑफ़ की सिर्फ हिम हॉर वाले प्रोनाउन्स हम दैम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम थोड़ा और इंक्लूसिव स्पेस बना सकते जहाँ हम कह रहे हैं कि मैं अगर आपका आइडेंटिटी बाकी के समाज से अलग है तो भी मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ करती हूँ एंड no. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी

तो मैं पहले मेरा उदाहरण देता हूँ फिर उनसे पूछता हूँ ताकि वो ही हिम शी हर दे बोलेंगे और देन क्लियर जेंडर टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ मेरा नाम ये है मेरा ये है, आपका नाम क्या है आप कौन सा जेंडर इस्तेमाल करना चाहेंगे दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट प्लीज गो है Uh, Dr. Deviyaka question: hai ki If a gay or lesbian marries a heterosexual person under societal or family pressure, can the spouse take any legal action against them? Let me understand this question. If a lesbian uh, 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 marries a man, a heterosexual? Uh, yes, yes. I mean, hmm. yeah, a man or a trans man, uh, will the

if you have to prove your sexual orientation to someone else how would you do it there is no way to do it it is only what you feel what you experience what you desire whom you are attracted to that gives you an indication of where you fit in what who you are what you are whom you are attracted to so proving is not possible and so while you can file a case proving it in the court of law without medical evidence is difficult शुभम ने पूछा है पार्लियामेंट में चेंज लाने के लिए राजकीय आरक्षण के लिए यूनिटी है क्या सॉरी सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट पार्लियामेंट में चेंज हाँ? लाने के लिए राजकीय आरक्षण के लिए यूनिटी है क्या यूनिटी The... है या नहीं है इसके लिए उनको they have to look at it from the vote bank perspective कि कितना अगर हम इनको आरक्षण देते हैं तो कितने वोटर्स हमको मतदान करेंगे आप देख रहे हैं कि आजू बाजू आज सभी सभा जहाँ रिजर्वेशन का ही माहौल है हर एक जात ये ये रिजर्वेशन ये कैटेगरी में चाहिए वो चाहिए ये सब चल रहा है लेकिन इतना बड़ा परसेंटेज होने के बावजूद भी रिजर्वेशन देना मुश्किल हो गया क्योंकि कोर्ट का एक तो फिफ्टी परसेंट इंदिरा स्वाणी का जो कैप है एक और वो एक्सीड करने के लिए सर्वे लगते हैं जो सर्वे साबित कर सके कि आप सचमुच पिछड़े वर्ग के हैं कि जहाँ पे इकोनॉमिकली सोशली सभी जगह से आप डिसम्पावर्ड हो ये सर्वे होने के लिए आप कितने लोग हैं आप पे सर्वे होना वो रिपोर्ट सामने आना और रिपोर्ट पे डिस्कशन होना और सिर्फ फिर सब एक मुद्दे पे आने के हाँ है और कितने प्रतिशत क्या देना है ये राज्य स्तर पे भी हुआ नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप पूछ रहे हैं तो ये बोलना बहुत ही हो सकता है कभी बट आई डोंक इन दियर फ्यूचर क्योंकि अगर बिहार का आप देखोगे अगर दो सौ तैतालीस लोग ही है पूरे राज्य में hmm. कितने पोलिटिकल लीडर्स को वो प्रायरिटी रहेगी तो होना जरूरी है लेकिन इतने जल्दी होगा आई डोंट नो वेदर इट वो अ अतिथि का प्रश्न है कि इज देयर एनी साइकियाट्रिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल इन बिहार फॉर जेंडर आइडेंटिटी असेसमेंट सॉरी इज सॉरी मेरा माइक शायद ठीक नहीं है इज देयर एनी साइकियाट्रिक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल बिहार में फॉर जेंडर आइडेंटिटी असेसमेंट आई विल हैव क्योंकि मैं बिहार तो गया नहीं हूँ तो लेकिन मेरे जो साइकेट्रिस्ट पहचान के हैं या इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश नागापुरकर मेरे पहचान के तो उनसे बात करके हुँ. बिहार का कांटेक्ट लेके उधर पूछताछ करके उसको टाइम लगेगा लेकिन अगर वो जरूरत लगती है आपको कि मैं आपको मदद करूँ या आपके बिहार के जो क्वेर नेटवर्क है उनको इस मदद चाहिए या मुख्ता हेल्पलाइन जो बिहार में चलती है उनको मदद चाहिए तो मैं डेफिनेटली ये कोशिश करने को तैयार हूँ शौर। शौर। इसके साथ हम चैट बॉक्स में के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेस करके एंड नन म्यूट करके आपका प्रश्न पूछ सकते हैं हम लोग दो मिनट के लिए रुकेंगे अगर कोई क्वेश्चंस नहीं रहे तो हम रैप अप करेंगे can I, can I ask? हाँ बिल्कुल यस yes, uh, तो मुझे पूछना था कि अगर वायलेंस हो रहा है uh, किसी इंडिविजुअल्स के साथ स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ देयर जेंडर एंड सेक्सुअलिटी आर देर एनी सेफ स्पेसेस और स्पेसिफिक प्लेसेस दैट दे कैन रीच आउट टू क्योंकि कभी कभी पुलिस भी उस तरीके से मदद नहीं करती है तो सेफ हाउसेस और सेफ स्पेसेस ऐसे कुछ अवेलेबल uh, है क्या Uh, अगर ट्रांस है तो okay. मुंबई में तीन है सो महाराष्ट्र इट इज नॉट है समय जब ये ऐसे हुआ और हमारे पास शेल्टर होम्स नहीं थे तब हमने हमारे ऑफिस का शेल्टर होम बनाया और वी हैव समेड लेकिन पोस्ट uh, कोविड अभी वो चालू नहीं है लेकिन ये इट इज अड बट इट नीड्स इज द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक इनिशियटिव तो वो मुंबई में शुरू हुआ है महाराष्ट्र में मुझे पता नहीं है कि बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में जैसे मुंबई में शुरू किया वैसे बिहार में पटना में कुछ किया है या नहीं है आई डोंट नो बट फॉर ट्रांस पर्सन एटलीस्ट ट्रांस एंड इंटरसेक्स पर्सन इट इज देयर इन महाराष्ट्र इन मुंबई

Uh, सरोदय नाम के उधर के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे तल्लुत है तो देर हैव बीन केसेस वेयर वी हैव एडमिटेड द फेमिनिन गे मेन देयर फॉर शेल्टर एंड ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव बट डेडिकेटेड सेफ स्पेसेस जिनकी जो एलजीबीटी के लिए पूरी जरूरत है सिर्फ ट्रांस के लिए नहीं तो ऐसा कुछ भी सिस्टम अभी तक नहीं है ओके okay. सर जितेंद्र uh, बोल रहे हैं uh, हमारा एक सवाल है जब हम काउंसलिंग करते हैं तो उस समय जब एक क्लाइंट हमें ये कहता है कि हम पुरुष के प्रति आकर्षित हैं और हम उन्हें बताते हैं कि ये स्वाभाविक है ऐसा हो सकता है लेकिन उस वक्त हमारे मन में ये क्यों विचार आता है कि इनके साथ भविष्य में दिक्कतें आ सकती है तो और स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है क्योंकि जिस समाज में ये लैंगिकता स्वीकार नहीं है तो बाकी के लोगों को जो दिक्कतें आएंगी वो तो सभी को आएगी वो मुझे भी आएगी उस कॉलर को भी आएगी लेकिन इसके अलावा लैंगिकता के बारे में स्पेसिफिकली जो दिक्कतें है बाप को कैसे बताया उनका रिएक्शन क्या होगा कंपनी में काम को लगेंगे और कंपनी वालों को बताया तो मुझे हकाल देंगे क्या मेरे जो दोस्त है या मेरे जो सहकारी है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे क्या मुझे पार्टनर मिलेगा क्या क्या मैं ये बाकी लोगों जैसे एक हैप्पी फैमिली बन पाऊंगा क्या तो ये एडिशनल दिक्कतें हैं ये आएगी लेकिन आपको अगर ऐसा मन में आता है कि इसके लिए इसने ये दिक्कते ना आए इसलिए उसने भिन्न लिंगी लोगों जैसे फैमिली बना के रहना चाहिए तो ये गलत है क्योंकि आएगी यस लेकिन वो इसका हल नहीं है तो आ, लेकिन, इस, हाँ सर इस परिस्थिति में ये जो आ, एक होता है जेनवन बेस पर काउंसलिंग करना मतलब जो कॉलर फील कर रहा है वो भी हम फील करें अगर फील नहीं करे तो उसके ऊंचाइयों तक पहुंचे तो इस तरह नहीं, के फील कर... कर रहा है वो आप नहीं फील कर सकते ऑल द टाइम फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कॉल करता हूं हेल्पलाइन पे और मैं तृतीय पंथी हूं और मैं बोलता हूं कि मैं तृतीय पंथी हूं और मेरे घर में जब कोई नहीं रहता है तो मैं साड़ी पहनता हूं और मुझे लड़की जैसे लगता है अगर आप ट्रांस नहीं है तो आप ये एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते काउंसलिंग का प्रिंसिपल एम्पत्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको वो फील करना है आपको ये सोचना है कि मैं अगर उसकी जगह होता तो मेरे सामने कितनी दिक्कतें आती कौन से सवाल आते कौन से डर मन में होता ये अगर आप समझोगे तो उस आत्मीयता के साथ उसको आप बोल पाओगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी की भावना आनी चाहिए ऐसा कोई भी दूसरे की भावना नहीं ला सकता लेकिन समझ सकने समझ प्रयास तो कर सकते इसके साथ हमारे प्रश्न खत्म होते हैं तो मैं हमारे में श्रिया को इनवाइट करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए जी थैंक uh, यू आप सबका यहाँ पे होने के लिए और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ बिंदु बिंदु माधव खिरे को कि वो हमारे साथ रहे यहाँ पे हमारे सारे प्रश्नों का उन्होंने कितने समझ के सुलझ के उत्तर दिए हैं और हमको कितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है जिसका हम इस्तेमाल कर सके कि जो लोग हैं जिनको जिनको एक जरूरत है उस जरूरत को हम कहीं पूरा कर पाए या कोशिश कर पाए इसके लिए सो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ हैं आज फॉर योर एंड फॉर योर वेरी वैल्यूबल टाइम वेरी वैल्यूएबल इनपुट थैंक यू मैं डॉक्टर रूपा को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस इवेंट uh, को ऑर्गेनाइज किया है और uh, हमको एक मौका दिया है uh, बिंदु सर से बात करने के लिए उन, उनकी जो व्यूज है वो जानने के लिए मुझे ध्रृति मैम को भी थैंक यू कहना है कि उन्होंने ये सेशन को फैसिलिटेट किया उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आते हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चंस को भी पूछने का उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ये कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने का उन्होंने इनिशियटिव लिया है सो आई वॉन्ट टू थैंक हर ऑल्सो और फाइनली मैं सब पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे उन्होंने इस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अपना वक्त दिया है और अपनी आवाज भी बढ़ाई है इन चीजों में कि उनके जो सवाल है वो एक्चुअली पूछ पाए सो आई एम वेरी थैंकफुल थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस थैंक यू क्लोज करने से पहले क्या सब लोग अगर जिसके लिए भी पॉसिबल होगा अपना वीडियो टर्न ऑन करना तो हम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं okay. yeah. थैंक यू एवरी वन और uh, मैं ग्रुप पे मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का भी नंबर डालूंगी जहाँ हम एक क्वियर और फॉर्मेटिव अप्रोच लेते हैं अभी भी सीख रहे हैं बट दिस इज वट वी डू ट्राई टू डू सो थैंक यू सो मच थैंक यू